ये इन्होंने अभी कपड़े लिए हैं, ये देखो पहन ही लिए, जो पहने थे वो खोल दिए और ये नए खरीद लिए, ये देखो। तो आज हमारा मसूरी में तीसरा दिन और सुबह के बज रहे हैं 8। तो आज हमें होटल से कर रहे हैं चेकआउट, ठीक है, और रास्ते में मिलेंगे अपने मसूरी से लेके और देहरादून तक देखने के जो भी स्थान मिलेंगे वहाँ पे जाएंगे अपने। सामान सारा पैक हो गया है, होटल से सामान पैक करके निकल रहे हैं अपने अभी, और लगभग 8:30 हो गए हैं अभी टाइम। लोग सामान सामान पूरा लोड कर दिया इसमें, बस अगरी बस ये देखो भाई यहाँ पे ये मगरमच्छ है और ये ओरिजिनल से लग रहे हैं, तो अपने रुके हैं यहाँ पे लेने के लिए। मगरमच्छ ले लिया, ये देगा ही नहीं, अब कुछ ही कर लो थे। ये देखो भाई दूर से ये ओरिजिनल से लगते हैं बिल्कुल ही, ये जो डॉगी है मोटोड़ा कुत्तिया का 4,500 हो देखो। अच्छा इंगा गे ले भाई जद्दी का है इंगा है 4,500 रुपया कार्तिक का लेवा, कोई नहीं इंगा पड़ा कोनी के लेवांगा 4,500 रुपया को असली आज है 4,500 को हाँ अभी ने बोली चला लियो बोले भाई मगरमच्छ कितना का है 750 को ले है के? परसों छोटे परसों तो छोटे को नहीं महंगा वो चीज तो हो भैया ले भाई परसों तो काबू करके बैठ गया इन्हें जो ना दिरा वाणी वो पूरी गाड़ी चुप हो रहा है और अच्छा दूसरा तो मिल गए ये शेयर लिया है भाई, ये इसका प्राइस बताया था 4,500 रुपये, 3,500 रुपये बताया था। ये लिया है एक, तो ये लिया है एक 500 का, 500 1,500 का लिया ये, ठीक है दोनों दोनों में 2,000 तो अपने ये एक तो मगरमच्छ और शेर दोनों ही लिए हैं 1,500 रुपए ही लिए अपने, ठीक है। रेट तो इनका बताया था इसका 3,500 रुपए बताया था इसका, तो शेर का और उसका बताया था 750 रुपए मगरमच्छ। कहाँ से आए हम? ऊपर देखो वहाँ बिल्डिंग में देखी किसी मोटोड़ी काट लो सेब आगे। हाँ इतनी ऊपर आए आप? तो हम वहाँ से आए भाई डलान, मैं यहाँ बिक रही होटल पर लेने तो ठीक। अरे यार डलान बहुत थी भाई यहाँ पे, सिंगल मार्ग है और शायद रोपवे भी है, कोई और रोपवे से आना चाहता तो रोपवे से आ जाना भाई, डलान बहुत है गाड़ी मतलब जो रेगुलर चलाता है पहाड़ों में वो ही लेके मतलब ठीक है, नहीं तो रिस्क है थोड़ी, ठीक है। ये देखो भाई ये है बट्टा फाल ये देखो भाई ऊपर नीचे वाला झूला भी है, दो झूले हैं, एक छोटा एक बड़ा है। हमको तो यही लग रहा है यही है बट्टा फॉल के अंदर जाने की 50 रुपए टिकट है भाई। हाँ Oh,
हाँ अरे ये देखो स्पाइडरमैन भाई तो परसू रे रहा झूले भाई ये देखो हाँ परसू जोर उले ये देखो भाई ये झरना है हाँ यहाँ पे करें कोई नाश्ता पानी तो अभी अपना नाश्ता आ चुका है भाई साथ में तो परांठे हैं और चाय है खा लेंगा माओ परांठा अच्छा कौन लगे गए अच्छा तो वो कौन गए धन ना थोड़ी है ये देखो भाई इधर कपल फोटो शूट करवा रहे हैं तो यार नाश्ता चल रहा है ढंग से वीडियो बन नहीं रही है प्रियांशु तो भाई दस बजे आए थे यहाँ पे लगभग बट्टा फॉल और अभी 11:30 हो गए लगभग 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे हमको ठीक है भाई हमने सिर्फ अपने हो रहे हैं बट्टा फॉल से रवाना आगे देखते हैं कौन सी जगह आती है शायद वो आएगी मसूरी झील आगे वाला पॉइंट है ये हम पहुंच चुके हैं भाई श्री प्रकाश वीर महादेव मंदिर टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 12 बज गए पर चीनी ना गई ये देखो मिलते हैं अगले पॉइंट पे दो पॉइंट तो कवर हो गए मसूरी और देहरादून के बीच में अगला पॉइंट शायद मसूरी झील है और उसके बाद में जू है ये देखो एक ये 75,000 का है पत्थर और ये है 1,25,000 का ये कितने का 25,000 का कितने के है ये मंदिर में साथ में ही शॉप है ठीक है और सभी चीज़ों के प्राइस वहाँ पे लिखे हुए हैं और काउंटर नंबर 4 पे इनकी पेमेंट करनी है अपने आप खुद देख लो खुद ले लो अंदर घूम के मंदिर हमने देख लिया है मंदिर से हो रहे एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से भी ये देखो क्या लिखा हुआ है पैसा चंदा का दान ना चढ़ाएं या नीचे प्राइवेट मंदिर है भगवान हम सबको पैसा देते हैं भगवान को पैसा चढ़ाने की कोशिश ना करें सबसे अच्छी बात है और बाकी मंदिरों में क्या लिखा होता है दान कीजिए जितना हो सके उतना दान कीजिए ये देखिए तो मंदिर में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई थी माओ यहाँ लिखेड़ो भी भगवान हमें पैसे देते हैं भगवान को पैसे देने की कोशिश ना करें तो सारों बढ़िया बात कौन के माओ बढ़िया है बाकी और मिंदर हम के लिखेड़ो हुआ दान करो जितो हुआ भी तो दान करो ई मिंदर में एक अलग बात लिखेड़ी भी दान देने की कोशिश ना करें ठीक है भगवान को पैसा ना दे भगवान हमें ये भी कौन दान देने गया अच्छा देने भी गया दान वो पैसे अपने चढ़ाने भी गए थे उन्होंने लिया नहीं ठीक है हाँ। अगले पॉइंट पे जू सर्च कर ले जू में आ चुके हैं भाई अपने ठीक है वहाँ पे टिकट काउंटर है वो भाई जी वो टिकट ले रहे हैं